गाइस फाइनली वीएन ऐप में एक न्यू अपडेट आया है। इस अपडेट के आ जाने के बाद वीएन ऐप का बिल्कुल इंटरफेस ही चेंज हो गया है और भी बहुत सारे फीचर्स चेंज किए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पे आपको वीएन ऐप को अपडेट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसे अपडेट कर लिया है, तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूं। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो वीएन ऐप ओपन हो गया है और इसका इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता था, बीच में आपको मिल जाता था प्लस का ऑप्शन, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंटरफेस चेंज कर दिया गया है। साइड में आपको मिल जाता है प्लस का ऑप्शन और ऊपर की साइड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट स्टोरी टेम्पलेट और वर्क, यही आपको ऑप्शन मिलते हैं, और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पे डिफॉल्ट और इम्पोर्टेड। लेकिन पहले यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट स्टोरी टेम्पलेट के ऊपर भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जो ट्यूटोरियल टेम्पलेट फिल्टर म्यूजिक साउंड एफेक्ट्स और फंड। लेकिन अभी इस अपडेट के आ जाने के बाद यहाँ से इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। अब गाइस इसका मतलब ये नहीं कि इस ऐप से ही उस ऑप्शन को हटा दिया गया है, वो ऑप्शन अभी भी ऐड है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रंट पे ऐड था वे फ्रंट पे ऐड नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वे ऑप्शन आपको कहां पे मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। यहां पे अगर आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहां पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके नीचे आपको यहां पे देख सकते हो प्रोजेक्ट टेम्पलेट स्टोरी और ओवरले का ऑप्शन है, और इसके नीचे यहां पे ट्यूटोरियल्स का ऑप्शन है। गाइस यहां पे आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको एक भी टेम्पलेट देखने को नहीं मिलते हैं। यहां पे आपको एक प्लस का ऑप्शन मिल जाता है। गाइस इस वीएन एप्लीकेशन में आप खुद अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके नीचे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, क्रिएट वीडियो टेम्पलेट और क्रिएट म्यूजिक टेम्पलेट। तो सिंपली आपको क्रिएट वीडियो टेम्पलेट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको अपने गैलरी से एक फोटो या वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जिसे भी आप टेम्पलेट में क्रिएट करना चाहते हो उसे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद टिक पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए इसमें आपको बीट मार्क ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पे 5 बीट मार्क ऐड कर लेता हूँ। तो जितना इसमें आप बीट मार्क ऐड करोगे उतना ही आप इस टेम्पलेट में अपने फोटोज को या वीडियो क्लिप को ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने 5 बीट मार्क ऐड कर लिया। बीट मार्क ऐड कर लेने के बाद ऊपर की साइड यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टाइटल शो कर रहा है, आपको टाइटल लिख देना है, और नीचे यहाँ पे एक्सपोर्टिंग हो रहा है, तो चलिए मैं इसका टाइटल लिख देता हूँ। यहाँ पे ऐड शो हो गया, तो चलिए हम ऐड को कट करते हैं और इसका हम टाइटल लिख देते हैं। टाइटल लिख देने के बाद सिंपली आपको सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब इस टेम्पलेट को आपको यूज करना है, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करके और इसे यूज कर सकते हो। अब चलिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अब गाइस चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि साउंड एफेक्ट्स म्यूजिक फिल्टर ये फीचर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो सिंपली आपको इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट में सिलेक्ट है, तो सिंपली आपको क्रिएशन किट्स पे क्लिक करना है, तो नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूजिक साउंड एफेक्ट्स फिल्टर स्टिकर्स और फंड, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अब गाइस चलिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। तो गाइस यही थे वीएन ऐप के न्यू अपडेट जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।